जी फाइनली आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हम लोग निकल रहे हैं अपनी लद्दाख राइड पे। तो जी हाँ, ये मेरा लद्दाख का सीजन 2 होने वाला है और बहुत ही एपिक एपिक जगहें आपको ऐसी ऐसी जगहें दिखाएंगे कि जिसका मनोरंजन आपको आनंददेही होगा। फिलहाल अपनी बाइक देख लो, कुछ ऐसी लग रही है यार। अभी एक कांड हो गया, कल ही मैंने अपना मोबाइल माउंट नया लगाया था और ये ख़राब हो गया है। इसका जो ज़्यादा स्क्रू है ना, ये बार बार निकल जा रहा है। तो थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी मुझे, पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। रास्ते पे सफ़र में एक से एक इन्जॉय करते हुए चलेंगे। कंप्लीट डिटेल्स आपको बाइक में बैठ के बताता हूँ। इस समय जो है ना 3:15 हो गए, निकलते हैं लद्दाख के लिए। कौन सा रूट लेने वाला, सारी डिटेल्स आपको दूंगा बाइक में बैठ के। क्या बात है, एक और लंबी राइड लगाने की बात ही कुछ अलग है, और वो भी जब आप रात को बिना सोए घर से निकलो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ये मुझे बताओ, कि आपको राइड पे जाना हो और यार आप लोगों को नींद ना आ रही हो। भाई मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। भाई मैं आज भी ना यकीन नहीं मानोगे, मैं 11:30-11:30 बजे तक मैं सोने की अपनी तैयारी कर ली थी, नींद भी आ रही थी, पर भाई नींद आए ना आए ना आए ना, बस ऐसे ही करते कराते पूरा समय कट गया और मैं उठ गया। और बताओ भाइयों, क्या मौज आ रही है जीवन में। भाई देखो, हम लोग तो आज निकल रहे हैं लद्दाख के लिए, और लद्दाख जो है वो मेरा होने वाला है कम्प्लीट ही सोलो राइड पे। भाई इस बार कोई अपने साथ नहीं होगा। ये पिछली बार जब मैं लद्दाख का था ना, उसमें क्या था, हमने टाइम कम था और डेस्टिनेशन ज़्यादा थी, और इस बार डेस्टिनेशन ज़्यादा हैं और टाइम तो अनलिमिटेड है। और भाई ये हमारी दिल्ली की एक तो नहीं कौन सी फैक्ट्री है, जब से पैदा हूँ तब से बंद ही पड़ी हुई है। तो जी अपने 63 किलोमीटर्स भी पूरे हो गए और हम आ गए मूरथल। अब मैं तो यार यही सोच रहा हूँ, कुछ चाय पिए तो कहाँ पिए, पहलवान पे पिए, गुलशन में पिए, पार्क प्लाजा में पिए। पहलवान भी तो लग तो सही रहा है, पहलवान में रुक जाए क्या। तो भाई मैं तो चाय लेके आ गया बाहर। और क्या चाय हो रही है, मजेदार, मतलब पूरी नींद जो आ रही नहीं भी रही थी ना, वो भी भूल गई है। ऐसी चाय है, दूध ज्यादा, चीनी ज्यादा, चाय पत्ती कम और पानी कम। ओए होए, चाय होती ना भाई वो एक नंबर की, अलग ही होती है। तो देखो थोड़ी थोड़ी सी ना मॉर्निंग होने लग गई है। इस साइड तो पूरा भी ब्लैकआउट है, उस साइड हल्की हल्की सी ना रोशनी दिखाई दे रही है। क्या घुस गई पूरी गाड़ी अंदर ही, पता नहीं आप लोगों को दिखा है कि नहीं दिखा, पर बंदे ने बहुत ही ब्रेक लगाने की कोशिश करी पर हो गया काम। अंबाला आपका हार्दिक स्वागत करता है, हरियाणा स्वागतम। तो जी हाँ, हम लोग की फाइनली ऑफिशियली एंट्री हो गई है अंबाला शहर के अंदर। यार गुस्सा गिरा हुआ है भाई, पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ सिटी के अंदर। अभी टाइम जो है कुछ 7:20 हो रहे हैं। बहुत अच्छी ड्राइव रही, बिल्कुल बाइक खैची है, मतलब ये मानो मूरतल के बाद से ना बाइक भाई 100 गज थी नहीं और सीधा आ चंडीगढ़ पे। एक्चुअली मेरे को ना बताया था ना कि मेरा मोबाइल होल्डर काम नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक मिनट को दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। ऐसे ये देखो ना, ये वाला जो मेरा नट है ना भाई, ये निकल जा रहा है बार बार, ये देख रहे हो। तो जिससे जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये फ्री हो जा रहा है इससे। पंजाब की चाय ना पी तो क्या फ़ायदा, आगे भाई जी भाई चाय। तो लो जी अपनी चाय भी आ गई, सुबह की दूसरी चाय आप लोगों के साथ, चेयर्स। और देखा एक चीज़ और भाई, कितने मच्छर मार दिए मैंने सुबह से, ये देखो कुछ पूरे मच्छर हो रखे हैं। देखो उधर गोपरो में भी लगे हुए, तो इसको भी साफ करते हैं और चाय पीते हैं प्यारी सी भाई के हाथों की, फिर निकलेंगे यहाँ से। आगे सफ़र है ना वो भी बहुत आगे का रह गया है, पर कोई नहीं, अभी टाइम तो सुबह के 7:15 ही हो रहे हैं। ट्राई करेंगे 12 बजे से पहले पहुँच जाएँ, कि गर्मी में चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बिना मनाली से कुछ मेरा सामान भी पिक करना है, 2-4 चीज़ें वो ले लेंगे और फिर निकलेंगे अपनी लद्दाख राइड पे। देखते हैं आज की जर्नी, आज हम कहाँ रुकते हैं कहाँ नहीं रुकते। बस अभी तक तो सोच रखा मनाली के पार करूँगा, पर कहाँ करूँगा कहाँ रुकूँगा अभी तो कुछ नहीं सोचा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जर्नी में।
तो जी फाइनली हम लोगों ने भाई मोहाली पार कर लिया। भाई मोहाली सिटी तो बहुत अच्छी है, बट अंदर इतनी सारी रेड लाइट्स है ना, जिसमें थोड़ी हालत ख़राब हो जाएगी आप लोगों की। तो भाई मैं तो कहूँगा ट्राई करना टाइम पे ही निकलो घर से, कि जिससे मोहाली का जो जाम है ना उसको आप बचा पाओ। ले लिया लेफ्ट, अब सीधा आ जाएगा रूपनगर। रूपनगर है जी 33 किलोमीटर। अब तो आएंगे मजे, क्योंकि हमको मिल गया है हाईवे। अरे उसको देखना, वो तो पानी को पत्थर को कैसा लगा है, वो पानी उसके ऊपर उछल उछल के जा रहा है। इस ढाबे पे कुछ खाना खाने के लिए सोच रहा था, कुछ खा लूंगा, पर भाई बहुत ही ज्यादा ना वेटिंग पीरियड है इस ढाबा पे। कह रहा भाई कहते आधा घंटा लगेगा, तो मैंने कहा भाई फिर तो रहने दे, फिर मैं आगे निकलता हूँ। पर ये जो नज़ारा है ना, इसको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो हमारी है सतलुज रिवर है, जो सीधा यहाँ से आगे जाती है पंजाब होते हुए हरियाणा में। भाई ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस यहाँ बैठ के पीता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। भाई ये चीज़ बयान नहीं कर सकता, कितना अच्छा लग रहा है। अपना हिमाचल प्रदेश का टोल जो है वो आ चुका है भाई। इस टोल को पार करते हम लोग की एंट्री हो जाएगी हिमाचल के अंदर। तो जी फाइनली 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 हम लोग पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। देवभूमि हिमालय में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जी अपनी बिलासपुर वाली जो न्यू टनल है वो चालू हो चुकी है। जी हाँ, पहले रास्ता पुराना वाला रास्ता इधर से होते हुए जाता था, अब पूरा बिलासपुर को ऊपर ऊपर होते हुए निकलते थे, बट अब जो है वो टनल चालू हो गई है। पर यार अंदर घुसते ही ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाहर से अंदर आया हूँ ना, सीधा 10-15 डिग्री का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ गया है। ऐसे तो ओवरटेकिंग करना मना था, पर कोई नहीं, हमने कर ली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ओ भाई देखो, यहाँ से ना वापस हल्की सी ठंडी सी हवा वापस आने लग गई, वरना अंदर तक से उमस सी हो रही थी ना, यहाँ पर नहीं है। ओए होए क्या राहत मिली है मेरी जान बाहर आगे। अरे सेकंड हमारा फ्यूल ब्रेक भी हमने ले लिया है। अभी जो मेरा पेट्रोल आया है वो 920 रुपए का आया है, और यार हिमाचल में पेट्रोल तो सस्ता है भाई, दिल्ली में 4.5 रुपए महंगा है। हम आ चुके हैं दो रास्तों पे, अगर हम यहाँ से ना राइट ले लेंगे तो हम लोग चले जाएंगे शिमला की तरफ, और यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं तो हम लोग चले जाएंगे मनाली की तरफ। तो अगर आगे साथ साथ पूरा स्पीति वैली अगर आपको सर्किट करना चाहता है ना, तो भाई इस रास्ते पे जाएगा तो वो स्पीति वैली का पूरा सर्किट भी कर सकता है। भाई खाना आ चुका है अपना, मैं तो खाना भी स्टार्ट कर दिया, भूल ही गया था ब्लॉग भी करना है। राइस दाल छोले दाल और कड़ी रोटी, और सर इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी इसी को हद नहीं है। अब जाकर थोड़ी राहत मिली, एक रोटी खाने में राहत मिल रही है, और यहाँ से अब आगे चलते सीधा मनाली। मनाली में देखते हैं क्या स्टे मनाली में करते हैं या कहाँ करूँगा, कुछ आइडिया नहीं। तो यार जाम तो मनाली रोड पे अच्छा खासा लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जगह जगह पे। कहीं कहीं नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कई नई रोड्स बन रही हैं, इस चक्कर पे जाम लगा हुआ है कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबा। तो शुक्र है बाइक है इसलिए साइड साइड से निकल रहे हैं, वरना तो क्या होगा कुछ नहीं पता अगर वेट करना पड़ गया।
वाह भाई शिट, क्या हुआ है ये भाई, पूरे वहां तक तो दिखाई दे ही रहा है। और मेरे राइट हैंड साइड में चल रही है ब्यास रिवर, ओके। तो पहले जाकर ट्रैफिक आने देते हैं, उसके बाद निकलेंगे। चलिए पेड़ देखना यार, कहाँ खड़े हो रहे हैं पत्थर पे, और पहाड़ों के पत्थर देखो, वो देखने में अलग ही डर लग रहा है। तो ये है अपनी ब्यास रिवर, और ये पूरा जो शहर है ये है कुल्लू। देखने में ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा होगा गोप्रो कैमरे में, जब वो ढंग से बयान हो नहीं पा रहा होगा, क्योंकि सूरज देवता ना उसी साइड है। बट जो नज़ारा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, शानदार। या मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी है, ये देखो दिखाता हूँ, हर एक के घर ना इस टाइप के होते हैं, ऐसे शेड टाइप के ऊपर की तरफ होती है, जैसे हमारे नॉर्मल घर होते हैं ना सीमेंटेड वाले, वैसे टाइप के नहीं है। हर एक के घर में आपको ऐसी शेड दिख जाएगी, जैसे पुराने गांव के घर नहीं होते लकड़ी वाले, ये देखो जैसे कि ये रहा, हर जगह आपको ऐसे ही दिखेगा यहाँ पे। तो जी राइड की पहले दिन पे कांड हो गया, क्या कांड हुआ दिखाऊं? देखो अपनी बाइक पहुँच चुकी है मकैनिक के पास। जो सबसे बड़े दो इशू आए थे ना भाई, एक तो जो ब्रेक पैड है पीछे वाला वो ख़त्म हो गया है, और दूसरा जो टायर है भाई, टायर में साइड में दरार सी आने लग गई है। जब पीछे रुके हुए थे उस टाइम पे देखा था मैंने, कहा ये हवा कैसे कम हो गई, मैंने हवा तो डलवा के निकला था, पर हवा थोड़ी कम हो रखी है। पर ये है टायर तो चल जाएगा, पर ब्रेक शू बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, डिस्क प्लेट बिल्कुल हीट मार रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। तो भाई मैं वहाँ से मतलब मनाली ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ, 10 किलोमीटर बचा होगा मनाली, मतलब 50 किलोमीटर का मकैनिक ढूंढ रहा हूँ भाई, कोई मकैनिक ही नहीं है पूरे रूट पे। एक तो आज है संडे, तो संडे के चक्कर में जितने भी मकैनिक की शॉप है वो सारी बंद है, और जहाँ पर कोई खुली भी है भाई उनके पास इसके ब्रेक शू ही नहीं थे। तो इधर आया भाई के पास, तो भाई और हम लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हो रखे हैं कि कौन से ब्रेक शू है। मैंने दिखाया भाई ये वाले लगते हैं, भाई कह रहा ये वाले नहीं, मैंने कहा खोल के देख लेते हैं, अगर खुल जाता है खुल के पता चल जाएगा कौन सा वाला, भाई के पास होंगे तो वो लगा देंगे, वरना तो फिर मनाली जाके इसको ठीक करवाना पड़ेगा। ओ चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमारा जो काम है वो तो बन गया। धन्यवाद मेरे भाई, तो यार अपना जो काम था वो तो हुआ नहीं, और निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। देखो तो मनाली में रुकने का मेरा बिल्कुल भी सीन नहीं, मनाली यार बहुत ही ज़्यादा ना घिचपिच हो रखा, हॉट स्पॉट पूरा जाम लग रखा है, पूरा पैक हो रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से आगे निकल जाऊँ, तो यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं, सोलान जाते हैं या उसे बीच में कहीं रुक जाऊँगा, वो जो भी होगा उसका अपडेट जब बाइक में बैठेंगे चलते चलते तब देते हैं। तो यार आप लोगों को भी किसी को बाइक के कुछ काम वाम करवाना हो मनाली में तो यहाँ आ सकते हो, अंबिका वर्कशॉप, इसकी जो लोकेशन है वो मैं यहाँ साइड में डाल रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। यार भाई जाम देखना कितना ज़्यादा लगा हुआ है रोड्स पे इस टाइम पे भी, टाइम जो है 8:30 हो चुके हैं, ये तो थोड़ी ना अपने पास बाइक है तो बच जाते हैं निकल जाते हैं साइड वाइड से, वरना तो भाई हालत ख़राब ही हो जाती भाई। मनाली से कम 15 किलोमीटर लंबा है ना यार जाम लग रखा है, क्या बताऊँ हद हो रखी है भाई, इतना ज़्यादा रश है इस टाइम पे मैं आपको बता नहीं पा रहा भाई। इस चक्कर में पूरे कुछ भी होटल्स अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ से अब सोलन की तरफ जा रहा हूँ, अगर सोलन में कुछ मिल जाता है तो ठीक है, वरना तो गॉड ही नोज़ क्या होगा, क्योंकि इस एरिया में तो कहीं कैंपिंग भी नहीं कर सकता मैं, और इतने महंगे होटल में जाने की भाई सही बताऊँ। अभी
अपने पास नहीं है बजट। यार ये मैंने लाइट जो लगवाई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है फिर से वापस नीचे की तरफ मुड़ गई है। 12:08 हो चुके हैं और अब जाके मुझे एक लोकेशन मिली थी सुलान वैली से ऊपर चल के, जहां पर मैंने अपना टेंट जो है वो सेटअप करा है, जो कंप्लीट जो सेटअप है कहाँ कर रखा है ये सब तो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लगा रखे देखो यहाँ पे, जिससे मुझे एक प्राइम फोकस आ पाए आप लोगों से बात करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो है आज की पसंद आई होगी। और नया मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं घर से 3 बजे निकला था और मैं सोया बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो ना बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। मैंने नीचे सुलान वैली में अपना डिनर कर लिया। काम करते हैं इस वीडियो को ना यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा देना, जिससे आपको हमारी आने वाली लद्दाख सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओ। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।